क्षेत्र के जुलमी गांव में शिक्षक पर छात्रा से छेड़खानी के आरोप का मामला सामने आया है। छात्रा से छेड़खानी के आरोप के बाद स्कूल पर आक्रोशित ग्रामीणों ने ताला जड़ दिया और जमकर हंगामा करते हुए शिक्षक की पिटाई करने के लिए स्कूल के बाहर पहुंच गए। हंगामा की सूचना मिलते ही मौके पर भारी पुलिस बल को तैनात किया गया और पुलिस ने ग्रामीणों को समझाया। वहीं शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने इस मामले में जानकारी लेकर जांच करने के आदेश दिए। मंत्री दिलावर ने कहा कि अगर शिक्षक दोषी पाया जाता है तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। मैंने सुना है और अधिकारियों को कहा है, पुलिस को कहा है, तुरंत जाकर के जांच करें और यदि ये सच घटना है जैसा मैंने सुना है तो कड़ी से कड़ी कार्रवाई करें। तो शिक्षा मंत्री मदन दिलावर को आपने सुना। साफ तौर पर शिक्षा मंत्री ने भी इस पूरे मामले में कहा है कि अगर शिक्षक दोषी पाया जाता है तो उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। रामगंज मंडी के जुलमी गांव का यह मामला है। पॉक्सो समेत कई धाराओं में इस मामले में मुकदमा दर्ज हो चुका है। शिक्षा मंत्री के निर्देश पर कार्रवाई की जा रही है। शिक्षा विभाग ने आरोपी टीचर को निलंबित कर दिया है। बता दें कि स्कूल के प्रधानाध्यापक को APO किया गया है। रामगंज मंडी के जुलमी गांव की यह घटना जहां छात्रा के साथ छेड़खानी का मामला सामने आया है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी देंगे संवाददाता शाकिर अली कोटा से, हमारे साथ ऑनलाइन पर जुड़ चुके हैं। शाकिर, इस पूरे मामले में शिक्षा मंत्री ने भी कार्रवाई के निर्देश दे दिए हैं, क्या अब तक कोई कार्रवाई प्रशासन की टीम ने की है? ये देखिए, इस पूरे मामले में जो है आरोपी जो शिक्षक है जिस पर आरोप लगा है उसको जो है डिटेन कर लिया है। सुकेत थाना पुलिस ने जो शिकायत दी गई थी उसके बाद पुलिस भी मौके पर पहुंच गई थी और आज जिस तरह से पूरा हंगामा वहां पर देखने को मिला, जैसे ही स्कूल खुला तो ग्रामीण जो है स्कूल पर इकट्ठे हो गए, आक्रोशित होकर उन्होंने पूरी घटना का विरोध जताया और जो है स्कूल पर ताला जड़ दिया। शिक्षक को मौके पर पीटने के प्रयास कर रहे थे ग्रामीण, लेकिन इस दौरान ही भारी पुलिस जाब्ता मौके पर पहुंच गया। हालांकि शिक्षक को पुलिस वहां से सुरक्षित निकाल रही, लेकिन भीड़ जो है वो उग्र हो रही थी क्योंकि जिस तरह का घटनाक्रम हुआ था उसके बाद ग्रामीणों में रोष देखा जा रहा था। परिजन भी जो एक दिन पहले शिक्षक से इस बात की शिकायत करने गए थे तो उन्होंने उनसे भी अभद्रता की थी, इस तरह की भी बात सामने आ रही है। अब पुलिस ने जो है सुकेत थाना पुलिस ने जो है विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज कर शिक्षक जो है आरोपी उसको डिटेन कर लिया है और मामले में छानबीन की जा रही है, पूछताछ की जा रही है। वहीं शिक्षा मंत्री ने के संज्ञान में जब ये मामला सामने आया, क्योंकि रामगंज मंडी विधानसभा क्षेत्र शिक्षा मंत्री मदन दिलावर का गृह क्षेत्र है, ऐसे में उन्होंने सुबह ही जो है इस पूरे मामले में जांच करने के निर्देश दिए थे, पुलिस को भी दिए थे। इसके अलावा शिक्षा विभाग पर भी उन्होंने कहा था कि इस पर कार्रवाई की जाए अगर दोषी पाए जाते हैं। तो अभी कुछ देर पहले ये भी जानकारी आई है कि आरोपी जो शिक्षक है को निलंबित कर दिया गया है और स्कूल के जो प्रधानाचार्य हैं उनको भी APO करने के निर्देश शिक्षा विभाग ने जारी कर दिए हैं। तो फिलहाल जो है क्योंकि मामला बिल्कुल अति संवेदनशील था, स्कूल के शिक्षक द्वारा छात्रा से छेड़छाड़ की घटना सामने आई है, उसके बाद ग्रामीणों ने जो रोष व्यक्त किया और शिक्षक को एक भीड़ जो है पीटने के लिए स्कूल परिसर के बाहर जमा हो गई थी। हालांकि पुलिस ने जो है मामला शांत करवा दिया और आरोपी शिक्षक जो है फिलहाल पुलिस की हिरासत में। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया शाकिर तमाम जानकारियों के लिए।